तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस फोटो में ज़्यादा मेहनत करी गई है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इस फोटो में बिल्कुल ऐसा फ़ोटो बनाने के लिए बिल्कुल बहुत ही कम दिमाग आपका खर्च करना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस फोटो को बताऊंगा कि आप इस फोटो को कैसे बना सकते हैं। देखते हैं कुछ इस तरीके का आपको वॉलपेपर एक फ़ोटो के बाद आपको खींच लेना, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो देखिएगा कुछ इस तरीके का मैंने इस फोटो को बना दिया है। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम टेक्निकल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको इसी फोटो को बना एडिट करना बताऊंगा। तो आज आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तो आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको कौन कौन से फ़ोटो को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पर आपको कौन कौन से फ़ोटो को जो है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ऐसा फ़ोटो बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देती। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, तो कि इस तरीके का होना चाहिए आपका फ़ोटो। और दूसरा फ़ोटो जो होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा इस तरीके का। अब आप बोलेंगे कि इस तरीके का फ़ोटो से क्या होगा, अब देखिएगा जहाँ का बिल्कुल फ़ोटो ये आला ऊपर वाला फ़ोटो है वहीं का आपका स्टैंड से फ़ोटो ट्राइपॉड से खिंचा हुआ होना चाहिए। बैकग्राउंड मतलब आप जैसे ही फ़ोटो खिंचवा लें और वहाँ से आप हट जाएंगे और आपका बैकग्राउंड का भी फ़ोटो खींचेंगे। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको अपना प्ले वो पिक्सआर्ट जो है ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक करना। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आल फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। आल फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप जाकर रिकेंट पे भी फ़ोटो जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी अपनी फाइल के यहाँ पर गैलरी के। तो मैं यहाँ पे रिकेंट पे यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोटो यहाँ पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको दो फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके फ़ोन में होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक फ़ोटो को इसे सिलेक्ट कर लिया है जो कि आपके पास यहाँ पर आला फ़ोटो होने चाहिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो इस फोटो होने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक करना। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड फोटो, तो ऐड फोटो पे क्लिक करना। आपको ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला फ़ोटो जो कि इस तरीके का फ़ोटो है जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो इसे सिलेक्ट करना और इसे इतना बड़ा कर देना। तो यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से बराबर हो जो कि आपका इसमें बिल्कुल क्लियरली आ जाए। तो यहाँ पर कुछ तरीके से भी हुआ नहीं है, ये बिल्कुल अब फिक्स हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे इधर के इधर कर देना। कम करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप इरेजर का, आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको जहाँ तक लो मतलब गायब करना है आपको वहाँ पर हाथ फिरना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर हाथ फिर रहा हूँ तो यहाँ पर गायब हो रहा है। बहुत ईजी तरीका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। तो जूम कर कर के आप जितना करेंगे इतना फ़ोटो आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये फ़ोटो आपको देखने के लिए ऐसे मिलेगा। तो आपको सिंपली इस तरीके से आपको इरेस कर देना। यहाँ पे मैं इरेस कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इरेस हो गया और आपको आप अपनी इस वाली गर्दन को भी रिमूव कर देना। तो यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी ये भी रिमूव हो गई है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो अभी आपका काम पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो तो हमारा बन गया। अब इसमें ना ही चेहरे पे यहाँ पे मतलब चेहरा यहाँ पर गोरा भी करना है, हाथ पैर भी यहाँ पर गोरे करने हैं और इसके जो कलर है बैकग्राउंड के वो भी आपको फास्ट तेज करने हैं। तो तेज करने के लिए आपको क्या करना, आपको यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको तीसरे नंबर पर इसी लाइन में और बस का, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरीके से बढ़ाना है आपको और यहाँ से कलर सेलेक्ट करना, फिर आपको यहाँ पे हरा वाला कलर चूज़ करना और यहाँ पे इसे बढ़ा देना हरा वाला कलर चूज़ करके। फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीला वाला यहाँ पे आपको बढ़ा देना है। तो यहाँ पर
जितना आप हरा करना चाहे इतना कर सकते हैं, जितना आप नीला करना चाहे इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया इसको, यहाँ पे आप थोड़ा सा रेड भी आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेड भी इतना क्लिक यहाँ पर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप डन कर दीजिएगा, ये काम आपका ख़त्म। अब आपको फिर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर इसके बराबर वाला ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट का। आपको एडजस्ट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी आपको ब्राइटनेस को जो है थोड़ा सा बढ़ा लेना। बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फिर मिलेगा यहाँ पे इरेज का। इरेज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है देखिए मैं बता देता हूँ आपको। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा अपना फोटो को जूम कर लेना और आपके जो भी फेस मतलब फेस पे जहाँ भी आप करना चाहते हैं आप वहाँ पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फास्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फोटो पूरा बन गया। उसके बाद आपको राइट वाले पे क्लिक कर देना और आप बाद में भी चाहे जितनी चाहें इतने आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। और आपको थोड़ा सा नीचे क्लिक करके आपको मेजर सेलेक्ट करने चाहते हैं कर सकते हो। उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे ब्यूटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो है फेस थोड़ा सा आउट पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा सेलेक्ट होने देना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको उसे थोड़ा सा कम कर लेना है। यहाँ पर कम से कम आपको 25 की तो बराबर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे चाहें तो आप लास्ट में यहाँ पे ब्लर भी लगा सकते हैं। तो ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए इफेक्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे ब्लर पर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे ब्लर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे ऑप्शन पर क्लिक करना, आप जितना चाहे इतना ब्लर आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 50 पर क्लिक कर लिया और यहाँ पे रेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का ब्लर भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं ब्लर फास्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ब्लर लगा लिया, राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं इतना रहने देता हूँ 3% और यहाँ पे राइट वाले पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कुछ बेहतरीन फोटो लग रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला था। अगर आपका कोई इस फोटो से रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्यूचर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।